लोकसभा चुनाव में तैयारियों के बीच कमर तोड़ मेहनत कर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लखनऊ से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी से चल रहे तनाव के बीच सपा पार्टी के महासचिव ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए खुद को दरकिनार कर लिया है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सपा पार्टी ने हाल ही में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब लगता है कि उनका 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का सफर बेहद मुश्किल होने वाला है। अखिलेश यादव की नीतियों से नाखुश नेता अब सपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की जुगत में लगे हैं। इसी बीच सपा के महासचिव ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। दरअसल कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफा देने का कारण लखीमपुर खीरी में सपा की आंतरिक गतिविधियों को बताया है। बता दें कि ये भी चर्चा है कि रवि प्रकाश वर्मा अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उधर कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने उनको पार्टी में शामिल कराने की तैयारियां भी पूरी कर ली है। वहीं लखीमपुर खीरी के गोला निवासी रवि प्रकाश वर्मा खीरी संसदीय सीट से 2 बार सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वह इस साल जनवरी में 3री बार सपा के राष्ट्रीय महासचिव बने थे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उनकी सपा से अनबन शुरू हो गई थी और तभी से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि रवि वर्मा लोकसभा चुनाव से पहले सपा का साथ छोड़ सकते हैं। बता दें कि रवि वर्मा कुर्मी समाज के कद्दावर नेता हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक सपा के स्थानीय और नए नेताओं को पार्टी में ज्यादा तरजीह दिए जाने से भी रवि वर्मा खासे नाराज चल रहे थे। इसी के चलते जून महीने में जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर कार्यकर्ता सम्मेलन में खीरी आए थे, तो उनके मंच से कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा गायब हो गए थे। कुल मिलाकर रवि वर्मा के इस इस्तीफे से पार्टी पर कितना असर होगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।